कुमार धमनिया है, झांसी से आया हूँ। मेरा अभी स्किल टेस्ट था और मेरे संग क्या हुआ, जब डेमो टेस्ट शुरू हुआ तो उसी में मेरे की काम नहीं चल रहा था, तो मैंने सर से कहा सर कीबोर्ड चेंज कर दीजिए, तो सर ने कहा कि करवाते हैं। फिर मैंने एक बार और कहा कि सर कीबोर्ड चेंज करवा दीजिए, जब तक वो कोई को लेके आए तब तक ना रियल टाइम एग्ज़ाम शुरू हो गया था, और जब वो भी बंदा आया कीबोर्ड देख के गया, फिर दोबारा कीबोर्ड लेके के आया, तब तक 3 मिनट लैप्स हो चुके थे। अब मेरे पास 7 मिनट में टाइम करना था पूरा, जो कि मैं पूरा कर नहीं पाया, इस वजह से ना मेरा पूरा टाइम मुझे नहीं मिला। मैंने कहा कि मुझे SSC के कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है ना मेरी कंप्लेन सुने, तो उन्होंने कहा अपनी आप कंप्लेन लिख के दे दीजिए। मैंने कंप्लेन है ना लिख के दी है, तो कहते कि ठीक है आप है ना, मैंने आपकी कंप्लेन ले ली है, तो मैंने कहा सर इस पर है ना आप अपना रिसीविंग दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं रिसीविंग नहीं दे सकते, उसके लिए हम अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने कहा सर जो अथॉरिटी हो उससे करवा दीजिए, कह नहीं नहीं आपका बस है ना आप जो भी करो डायरेक्ट है ना SSC ग्रीवांस में आप अपनी बात रख सकते हैं, हम उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते इसके लिए कुछ। तो मेरा भविष्य दाव पे है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद है ना शायद मैं SSC का दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगा। वैसे भी आजकल बेरोजगारी में 3-3, 6-6 साल लग जाते हैं कि एग्ज़ाम पूरा करने में। 2018 का एग्ज़ाम अभी BSC 20 में ना स्किल टेस्ट हो रहा है, अभी इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, बहुत लंबा टाइम प्रोसेस होता है, और है ना इसमें बच्चों की खिलवाड़ हो रहे हैं। इस मेरा है ना साथ न्याय हो,